जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के दिसंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या जान करके आप दिसंबर महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosales.com पर जाएं, वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर ये सब कुछ आप जान सकते हैं। अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है astrosales, उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं आप और अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। astrosales एप्लीकेशन पर ज्योतिषियों के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, तो इसलिए फोन लगाएं और अपने बारे में बहुत कुछ जानें। अब हम संक्षेप में बात करेंगे इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा, वहीं इसके बाद सूर्य आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 27 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं इसके बाद आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में मंगल भी 27 दिसंबर तक आपके फेवर का, अनुकूलता वाला रिजल्ट आपको देना चाहेंगे, बाद में ये कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो बुध ग्रह 28 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे, इसके बाद तीसरे भाव में वापस लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि बुध 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे, तथा बुध महीने के ज्यादातर समय आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। बृहस्पति गोचर में पूरे महीने आपके आठवें भाव में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस पर भी 24 दिसंबर तक गुरु ग्रह बुध के तथा बाद में शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर तक आपके दूसरे भाव में, तो वहीं बाद में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, अतः शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह आपके छठे भाव में अपनी ही राशि में है, यह अनुकूल बात है। साथ ही साथ शनि 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में रहेंगे, जो एक कमजोर स्थिति कही जाएगी, जबकि 26 दिसंबर के बाद गुरु के प्रभाव के चलते स्थितियां थोड़ी ही सही लेकिन बेहतर होनी चाहिए। अर्थात शनि सामान्य तौर पर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। राहु ग्रह आपके सातवें भाव में गुरु की राशि व बुध के नक्षत्र में रहने वाली है। राहु पर 8 दिसंबर तक शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र का प्रभाव रहेगा, अतः शनि के प्रभाव में होने के कारण राहु कुछ मामलों में आपका फेवर कर सकते हैं। वहीं केतु ग्रह आपके पहले भाव में कन्या राशि में मंगल के नक्षत्र में रहने वाली है। 8 दिसंबर तक केतु ग्रह शनि तथा बाद में गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, अतः केतु से किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि या आपकी लग्न अर्थात कन्या लग्न या कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में दिसंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने चौथे भाव में गोचर करने वाला, चौथे भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। हालांकि बुध ग्रह 13 दिसंबर से वक्री तथा 17 दिसंबर से अस्त रहेंगे, जो अपना 100% देने में पीछे रह सकते हैं, फिर भी 28 दिसंबर तक वो अपने लेवल पर आपको पूरी तरह से मदद करना चाहेंगे, एवरेज से बेहतर मदद कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम दिलवाना चाहेंगे। सावधानी पूर्वक एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए आप नए काम की शुरुआत भी कर सकेंगे। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर और डेटा बेस्ड काम करने वाले लोगों से कोई त्रुटि ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, ऐसी सावधानी भी रखनी है। 28 दिसंबर के बाद अगले दो दिन थोड़े से कमजोर परिणाम आपको दे सकते हैं। सारांश है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों में दिसंबर का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहिए। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने 25 दिसंबर तक धन भाव में ही रहने वाला है, यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। साथ ही साथ धन भाव पर धन के कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी है, अतः न केवल आमदनी के लिए यह महीना आपके लिए मददगार बनेगा,
या बन सकता है, बल्कि धन को संचित रखने में भी दिसंबर का महीना आपके लिए काफी मददगार बन सकता है। 25 दिसंबर के बाद शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो यात्राओं से संबंधित कामों के होने का संकेत कर रहे हैं, अर्थात यात्राओं के माध्यम से लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ आर्थिक मामलों को लेकर कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। सारांश यह कि दिसंबर 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना पिछले महीने की तुलना में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका लग्न या राशि स्वामी ग्रह बुध इस महीने 28 दिसंबर तक चौथे भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर चौथे भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना जाता है। हालांकि इस बीच में 13 दिसंबर से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे और 17 दिसंबर से अस्त भी हो जाएंगे। ये दो बिंदु थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन बुध की प्लेसमेंट क्योंकि अच्छी है तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं बीच बीच में देखने को मिल भी सकती हैं। कभी कभार बीमार होने का भ्रम भी हो सकता है, अर्थात वास्तव में स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा मानो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 28 दिसंबर के बाद 2-3 दिनों के लिए जो बाकी का समय है, उस समय स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूल रह सकता है, किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में है, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव को देख रहा है, यह अच्छी बात है, अर्थात बृहस्पति आपको एवरेज या मिले जुले परिणाम दे सकता है। वहीं चतुर्थ भाव में बुध का गोचर अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। ये दोनों ही स्थितियां मिलकर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देने या दिलाने का संकेत कर रही है। वहीं पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर कही जाएगी, जो प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आपको आगे ले जाना चाहेगी, अर्थात यह महीना शोध के विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूल है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भी यह महीना काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। अन्य विद्यार्थी भी अपनी मेहनत के अनुरूप काफी हद तक फेवर के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर 2023 का महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, आपके प्रेम भाव का स्वामी शनि पिछले महीने की तरह छठे भाव में बना हुआ है, यह सामान्य तौर पर अच्छी बात है, लेकिन 26 दिसंबर तक राहु के प्रभाव में होने के कारण प्रेम संबंध में कभी कभी कुछ गलत फहमियां देखने को मिल सकती है। हालांकि पंचमेश की अनुकूल स्थिति कोई बड़ी समस्या नहीं आने देगी। शुक्र का गोचर भी आपके लिए अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है, अर्थात लव लाइफ में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर भी प्रेम संबंध को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति इस महीने ज्यादातर समय केतु तथा बुध के प्रभाव में रहने वाला है। एक ओर जहां केतु कमजोर परिणाम देना चाह रहे हैं, तो वहीं बुध और शनि का प्रभाव सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, अतः दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको मिल सकते हैं। फिर भी आपसी संदेह से बचना समझदारी का काम होगा। आइए अब जान लिया जाए कि कन्या राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर 25 दिसंबर तक का समय पारिवारिक मामलों के लिए बहुत अच्छा है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, सारे परिजन एक साथ मिलकर संबंधों का आनंद ले सकेंगे, पुरानी समस्याएं भी दूर होंगी और संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको मिले जुले या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। कभी कभी कुछ पुरानी परेशानियां उभर कर सामने आ सकती हैं। घर की पुरानी मशीनरी
काम करना बंद कर सकती है, लेकिन इन सबका सोल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा और आप गृहस्थ संबंधी समस्याओं को जल्दी ही ठीक कर सकेंगे। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए दिसंबर का महीना काफी अच्छा, तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए दिसंबर का महीना एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। आइए आप जान लेते हैं कि यदि दिसंबर के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जरूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करवाना है। शनिवार के दिन जटा वाले सूखे नारियल 6 की संख्या में बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करना है, बहाना है और गाय को हरा चारा खिलाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर महीने के इस राशि फल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।